राज्य सरकार ने बस मालिकों को बड़ी राहत देते हुए लॉकडाउन के दौरान रोड टैक्स ना लेने का फैसला किया है। परिवहन विभाग से जारी पत्र के बाद ये साफ किया है कि बस मालिकों को उस अवधि का रोड टैक्स नहीं देना होगा जिस दौरान बसों के परिचालन पर पूरी तरह से बस के पहिए थम गए थे। रिपोर्ट देखें। कोरोना वायरस की वजह से पिछले 24 मार्च से ही देश भर के साथ झारखंड में लॉकडाउन जारी है। इस दौरान व्यावसायिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप है, बसों की आवाजाही भी पूरी तरह से थम गई है। जाहिर है इससे बस मालिकों की चिंताएं भी बढ़ने लगी है। ऐसा इसलिए कि उन्हें हर 3 महीने पर रोड टैक्स जमा करना होता है। अब राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी बस मालिक से रोड टैक्स नहीं लिया जाएगा। इस संबंध का पत्र भी जारी कर दिया गया है। झारखंड मोटर व्हीकल एक्ट 2001 में 17 सेक्शन में क्लियर कट प्रोविजन है। आपदा का समय में कुछ भी ऐसा केसेस होगी मतलब उसका राहत दे सकते हैं। इसमें भारत सरकार का भी निर्देश प्राप्त हुआ नो यूज क्लास का लाइबिलिटी का इसका फैसिलिटेड यूज करने के लिए। उसके साथ में यही निर्णय हुआ झारखंड में केवल स्टेट कैरेज का है, उसी का कितना दिन यूज नहीं हुआ उसी गाड़ी का उसका टैक्स लायबिलिटी का रिलीफ देने के लिए है। राज्य सरकार बस मालिकों से 3 श्रेणी में रोड टैक्स वसूलती है। सामान्य बस से हर महीने 10,000, मिनी लग्जरी बस से 11,000, जबकि लग्जरी बस 2x2 से 18,000 रुपए सरकार रोड टैक्स के रूप में लेती है। इधर झारखंड राज्य बस ऑनर एसोसिएशन ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन कहा है कि कई राज्यों ने रोड टैक्स के रूप में 3 महीने की माफी दी है। राज्य सरकार को भी ऐसा ही करना चाहिए। हम लोग तो बस ऑनर चाहेंगे कि ये भारत सरकार 30 मार्च को ही ये निर्णय लेकर भेज दिया था सभी सरकारों को, यहाँ थोड़ा लेट हुआ है इसलिए यहाँ उपापोह का स्थिति बना हुआ था। निश्चित रूप से बहुत सारे बस मालिकों को अभी फाइन भी लग गया है इस पीरियड में, तो सरकार जो पहल किया है उसका हम लोग स्वागत करते हैं कि अभी जितना दिन गाड़ी नहीं चलेगा और उसका टैक्स नहीं देना होगा, ये बहुत अच्छा पहल है। लेकिन चूंकि ट्रांसपोर्ट का धंधा को चालू होने के बाद भी हमें लगता है कि संभालने में 2-3 महीना और लग जाएंगे, हम चाहेंगे कि इसको फर्स्ट फेज में कम से कम 1/4 का टैक्स तो बिल्कुल माफ कर देना चाहिए, फिर अगर आगे बढ़ता है तो इसको आगे भी आगे बढ़ाना चाहिए। राज्य सरकार का यह निर्णय उन ट्रकों और अन्य गाड़ियों के बारे में भी है जो लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह से थमी हुई थी। इसके लिए वाहन मालिकों को एक शपथ पत्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। लॉकडाउन के दौरान बसों के पहिए थम गए थे, गाड़ियां जहां तहां फंस गई थी, लिहाजा वाहन मालिकों की ललाट पर चिंता की लकीरें देखी जाने लगी थी। लिहाजा राज्य सरकार ने इन चिंताओं पर थोड़ी सी मरहम लगाने की कोशिश की है। कैमरा पर्सन हृदय के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची।